अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। वी आर शेयरिंग द कंप्लीट इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है सीपोस एक्चुएटर, तो मैं आपको बताऊंगा कि सीपोस एक्चुएटर की कैलिब्रेशन किस तरह होती है, उसके पार्ट्स कौन से होते हैं, उसमें फॉल्ट कौन से होते हैं और ये मोटर ऑपरेटेड वाल्व एमओवी पे लगते हैं। तो न्यूमेटिक एक्चुएटर हो या एमओवी हो, मकसद होता है कि प्रोसेस को कंट्रोलिंग करना। तो ये सीपोस एक्चुएटर ये फर्टिलाइजर प्लांट पे लगे होते हैं, पावर प्लांट पे लगे होते हैं और आइलैंड गैस में बहुत ही कम होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से जो हैं वो एरर आते हैं, वो उसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और उनको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। पहले चलते हैं हम फील्ड में ताकि आपको एक कैलिब्रेशन दिखा सकूं, ताकि जो जो लोग सिर्फ कैलिब्रेशन सीखना चाहते हैं तो वो पहले कैलिब्रेशन देख लें कि उसकी कैलिब्रेशन किस तरह होती है। आइए चलते हैं फील्ड में और देखते हैं उसकी कैलिब्रेशन। जब हम बात करेंगे मॉडल की, तो ये सीपोस 5 फ्लैश मॉडल है। इसकी चार कीज़ होती हैं, एक की जो लोकल रिमोट और पैरामीटर के लिए यूज़ होती है। ये सिलेक्ट करते हैं हम लोकल पे रिमोट पे, या जब हम कैलिब्रेशन करते हैं तो पैरामीटर में जाते हैं। ये स्टॉप की या इंटर की कहते हैं, और ये दो की जो है वो अप और डाउन के ट्रेवल की कीज़ होती हैं। ये देखें कि एक कंट्रोल वाल्व जो रिमोट पे रखा हुआ है मगर वो फॉल्ट है, फॉल्ट आया हुआ है उस पर, तो फॉल्ट की वजह से वो DCS से कमांड नहीं लेता, तो वो ओपन या क्लोज नहीं होता। तो इसको ओपन या क्लोज़ करने के लिए लोकल से किया जाता है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम कैलिब्रेशन करते हैं, जो कि हम सिलेक्ट करेंगे इसे पैरामीटर पे। ये देखें कि हम लोकल और ये पैरामीटर, तो पैरामीटर में हम इंटर करेंगे। तो इसमें कमीशनिंग में हम जाएंगे, ये देखें कि इसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, तो हम ये जाएंगे कमीशनिंग में। उसके बाद ये पासवर्ड मांगता है, तो इसका पासवर्ड है 9044। तो 9044 हम इंटर करते हैं, तो उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन में जो हमें एक्सेस मिल जाती है, जहाँ से हम चेंजिंग कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ पैरामीटर्स देखेंगे, उसकी सेटिंग देखेंगे, ये देखेंगे क्लाक वाइज या काउंटर क्लाक होता है। तो काउंटर क्लाक इसका एक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये देखें कि एंटी क्लाक वाइज है और क्लाक वाइज, जैसा कि ये क्लाक वाइज सेटिंग थी, तो सला क्लाक वाइज को कंटिन्यू करते हैं। ये ट्रेवल है, इसका स्पीड है, तो मुख्तलिफ सेटिंग है, तो बाकी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल हम कैलिब्रेशन के लिए आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें टेम्परेचर की सेटिंग होती है, और ये हमारे कैलिब्रेशन के लिए एंड पोजिशन एडजस्टमेंट सेटिंग है। तो ये ट्रेवल दिखाया जाता है कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, ओपन से या क्लोज से। जैसा कि वाल अभी क्लोज कंडीशन में, तो मैं इसको क्लोज करने से जो है वो स्टार्ट करूँगा। तो क्लोज पे इंटर करके ये स्टॉप बटन जो नीचे इस पर इंटर भी लिखा हुआ है, इंटर करके अब ये कह रहे हैं कि इस पर ऑप्शन आ रहा है कि मूव टू ओपन। तो मैं इसे मूव टू ओपन के लिए मैंने प्रेस किया है। जब एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच जाए जो कि स्केल पे है, तो हम स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद आ रहा है कि दोबारा मूव टू क्लोज, तो हम ये मूव टू क्लोज के लिए हम इसे नीचे क्लोज की पोजीशन तक ले जाएंगे। स्केल पे जो स्केलिंग होती है वहाँ तक हम उसके बाद इसको इंटर करते हैं और स्टॉप करते हैं। अब देखें कि मैंने इसको स्टॉप किया मगर इस पर जो है वो 34 जो है वो एक अलार्म आ गया है। तो डेविएशन इस पर 0 रखते हैं, तो मैं यहाँ से गियर बॉक्स से पोटेंशियोमीटर से इसका जो डेविएशन है उसको मैं 0 ले जाऊँगा। 34 आ रहा है, तो डेविएशन हमेशा 0 रखते हैं, तो मैं इसको 0 पे ले जाऊँगा। ये देखें कि यहाँ से चेंज होता है, तो ये क्लाक वाइज एंटी क्लाक वाइज जब हम घुमाएँगे, तो देखें डेविएशन 0 कर दिया और कैलिब्रेशन ओके हो गई। अब जैसे ही हम इसे पैरामीटर से निकलेंगे तो रिमोट पे आ गया, तो रिमोट पे जो कमांड दी हुई है DCS से, तो ये फौरन कंट्रोल वाल जो है वो उस सेम कंडीशन पे चला जाएगा जो कमांड दी हुई है। जैसे कि इस पे कमांड 0 की रखी हुई थी, तो ये 0 पे चला जाएगा। तो कंट्रोल वाल जो है वो लोकल से जब पैरामीटर से जब हटाया जाता है तो वो रिमोट पे रखते हैं, तो रिमोट की जो इस पे सेट पॉइंट दिया होता है, तो ये उसी पे सेट पॉइंट पे चला जाता है। अभी हम आपको चेक करवाते हैं DCS से कमांड कंट्रोल वाल्व लेता है या नहीं।
अब देखें कि जैसे ही 14 की कमांड दी तो ये 14% जो है वो कंट्रोल वाल्व ओपन हो गया। इसी तरह ही हम आहिस्ता आहिस्ता जो वो अपनी तरफ से जो चेक करेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि कंट्रोल वाल्व का जो ट्रेवल है वो सही है। अब देखें कि जैसे ही 20 की कमांड दी तो कंट्रोल वाल्व 20% जो है वो ओपन हो गया। तो ये मकसद होता है कैलिब्रेशन के बाद 100% श्योर मेक श्योर करना कि कंट्रोल वाल्व जो है वो कमांड सही लेता है और उसका ट्रेवल सही है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। 34 की कमांड तो 34% जो है वो ओपन हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ पोजीशन पे चेक किया जाता है डीसीएस से। तो अभी हम डीसीएस को बताते जा रहे हैं, जिस तरह 44 की वो कमांड दे रहे हैं, हमसे वेरीफाई करते हैं फील्ड में से कि 45 हमने कमांड दिए तो आपके पास कितना ओपन है। तो हम स्केल से भी देख रहे होते हैं और लोकल डिस्प्ले से भी देख रहे होते हैं। 50% की कमांड तो 50%, 100% की कमांड तो 100% जो है वो ओपन हो गया। अब देखें कि रिमोट रेडी आ रहा है और ये ओपन जो है वो 100% है। तो जब फॉल्ट होता है तो रिमोट जो है वो फॉल्ट होता है। अब जैसे कि कैलिब्रेशन ओके हो गई तो ये गियर बॉक्स आप देखेंगे कि क्लोज और ओपन के लिए एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज होता है। तो डेविएशन के लिए आपको उसके अपोजिट घुमाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा है तो बैक करके रिवर्स करके उसको जो है वो ज़ीरो पे लेके आएंगे। तो अभी हम ये वापसी क्लोज़ की तरफ आ रहे हैं, ओपन से क्लोज़ की तरफ आ रहे हैं। 20% जो है वो हमने ओपन रखा हुआ है, 80% क्लोज रखा हुआ है और ये 0% भी वेरीफाई हो गया डीसीएस। ये था सिपोज वाल की कैलिब्रेशन। उसमें मैं आपने देखा कि उसकी कैलिब्रेशन जो है वो किस तरह की जाती है, उसकी गियर बॉक्स को की जो है वो एडजस्टमेंट किस तरह की जाती है, उसमें पोटेंशियो जो पोजीशन ट्रांसमीटर लगा हुआ है उसकी सेटिंग किस तरह हम करते हैं, उसकी गियर की एडजस्टमेंट किस तरह करते हैं। तो अगर मज़ीद कोई भी आपको सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। सिपोज कंट्रोल वाल्व में जिस तरह हम उसके इक्विपमेंट की बात करेंगे, उसके कार्ड्स की बात करेंगे, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये इसकी कार्ड्स की जो है वो सेटिंग है। तो सेटिंग में जाने के लिए हम क्या करते हैं कि पैरामीटर में जाते हैं। ये सेटिंग में जाने के लिए जो है वो सिलेक्टर है, उसके बाद ये इंटर करते हैं इससे और इसे अप डाउन करते हैं। वापसी आने के लिए दोबारा हम इसको क्लिक करते हैं और मेन मेन्यू का ऑप्शन आता है और उसे इंटर करते हैं तो वो हम वापसी चले जाते हैं। तो हम कार्ड की बात, जब कार्ड्स की बात करते हैं तो ये डिस्प्ले कार्ड होता है जो कि हमें बाहर से डिस्प्ले नज़र आता है। इस पर लोकल रिमोट फॉल्ट वगैरह जो भी अलार्म आते हैं या जो इसकी सेटिंग होती है वो यहाँ पे जो है नज़र आती है। इसमें जो है जैक होते हैं, ये आप देख लें कि जंपर जो है वो यहाँ पे लगा होता है, और इसका जो है वो पावर कार्ड होता है जो अक्सर जो है एरर जब आता है तो जो इन्वर्टर एरर जब आता है तो ये कार्ड जो है पावर कार्ड पे जो आता है फॉल्ट, उसकी वजह से इन्वर्ट फॉल्ट आता है। तो इन्वर्ट फॉल्ट जो होता है वो पावर कार्ड की वजह से आता है। और इसमें जो है वो रिले कार्ड होता है एक, जो कि ये रिले इसमें जो है वो 5 रिले लगी होती हैं। तो अगर कोई रिले जो है वो ख़राब हो जाए, बर्न हो जाए, तो हम इसको कार्ड्स को रिप्लेस कर लेते हैं। और इसकी बेसमेंट कार्ड होता है जिसमें ये बेसमेंट कार्ड है जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे कार्ड्स पे। तो ये बेस जो है वो 2-3 किस्म के जो है वो पावर जो है वो कार्ड आते हैं, उसके हिसाब से जो इसकी जो डिज़ाइन की गई है तो उसके हिसाब से ये बेसमेंट जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। तो हमेशा पावर कार्ड को देखते हुए उसकी बेस लगाएं, अगर बेस सही नहीं होगी तो जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट सही नहीं होगा और वो फॉल्ट में आ जाएगा कार्ड, या तो कार्ड बर्न हो जाएगा या फिर जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। तो पावर इसमें जो है वो डिस्प्ले में क्या होता है कि इसकी जो डिस्प्ले जो है वो ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से हम ये कार्ड चेंज करते हैं। उसमें भी मुख्तलिफ जो है वो ICs लगी हुई है। तो आपके पास अगर कोई एरर आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो हल करके आपको बताऊं, क्योंकि हमारे पास ये बहुत सारे लगे होते हैं जिस पे हम इसकी कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं, इसकी सेटिंग कर रहे होते हैं। 4-20 मिलियम को कन्वर्ट करेंगे हम तो 20-4 भी कर सकते हैं, DCS से कमांड ले या ना ले, तो उसके बाद वो आउटपुट दे या ना दे, ये सारी सेटिंग्स जो है वो उसमें होती हैं। और कितना एरर जो है वो एक्सेप्टेबल, जिस तरह 4-20 है तो 4 से प्लस माइनस भी कर सकते हैं, अगर एरर आए तो वो कितना 100+0, 100, तकरीबन सारी सेटिंग्स जो है वो इसमें होती हैं। टेम्परेचर कितना हो तो ये जो है वो आउटपुट दे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये आउटपुट ना दे और मोटर्स को जो है वो स्टॉप करा दे।
तो मुख्तलिफ जो सेटिंग इसमें रखी जाती हैं तो बहुत ही अच्छा कंट्रोल वाली है। मगर टेम्परेचर के ऊपर तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा कि टेम्परेचर हाई के ऊपर इसको लगाया जाए, क्योंकि टेम्परेचर हाई पे जो है पार्ट से इफ़ेक्ट होता है और इसकी आउटपुट जो है वो वेरिएशन करती है। तो इंशाल्लाह देखते रहिए स्मार्ट एक्सपर्ट चैनल। मैं हूँ फैसल अहमद, अल्लाह हाफिज़।